हेलो दोस्त, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं द ग्रेट खाली और हमारे साथ आज हमारे जो चीफ गेस्ट, हमारे CW के सुपरस्टार हार केडी, जिन्होंने WWE में अपने झंडे गाड़े हैं, हरियाणा की छोरी। सो ये मतलब ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये नॉर्मल बात नहीं कि इंडिया से, अगर इंडिया से ग्रेट खली के बाद WWE में पैर रखा है तो CW के जो सुपरस्टार है हार्ड केडी वो गई है। उसके बाद तो और भी बहुत सारे बच्चे गए हैं, जैसे शंकी है, सुखी है, लक्ष्मी है, और भी बहुत सारे CW के सुपरस्टार जो WWE में गए हैं। सो मैं चाहूँगा कि मतलब मैं आपको लेके जाऊँगा हार्ड केडी के पास, और यहाँ भी जब मेहनत करते थे, बहुत डेडिकेटेड, बहुत ही एक बड़ी मतलब एक सिंसियर थी मतलब एक्सरसाइज के बारे में। सो मैं इनसे पूछता हूँ, और लोग भी देखना चाहते हैं कि भी जो यहाँ पर CWE में और WWE में क्या फ़र्क है ट्रेनिंग का, और आपको कैसे लग रहा है जब हम पहले CWE में प्रैक्टिस करते थे, आज आप जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है WWE, आज आप वहाँ पर रेसलिंग करते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? जी नमस्कार, मैं कहूँगी कि देश देवी, और आज मैं अपने गुरु द ग्रेट खली के पास मिलने आई हूँ, क्योंकि CWE से मेरी शुरुआत हुई और यहीं से मुझे WWE का रास्ता नज़र आया, जहाँ पे आज मैं वर्क करती हूँ, काम करती हूँ USA में। सो यहाँ पे जो मैंने सीखा है वो मेरे बहुत काम आया है। ज़्यादा जब मैंने शुरुआत की थी मुझे कुछ भी मालूम नहीं था इसके बारे में, लेकिन खली सर ने जो मुझे चीज़ें सिखाई, ट्रेनिंग दी, वो एज इट इज़ मुझे वहाँ पे जाके मिली और मेरे काम आई। जब भी मैं जब मैंने वहाँ पे कदम रखा तो जो हेजिटेशन होती है कि पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, सो वो डर मुझे मेरे अंदर नहीं था, क्योंकि वो सारी बेसिक चीज़ें सर ने मुझे सिखाई थी और आज तक मेरे वो काम आ रहे हैं। जैसे मतलब आप पहली लेडीज है जो हिस्ट्री पे ही है, मतलब अगर देखा जाए WWE पे जाना हिंदुस्तान के लिए ये हिस्ट्री है, मतलब आप यहाँ से CWE से WWE में गए आप, और मैं बिल्कुल उस पर नहीं जाऊँगा कि आपको कितने पैसे मिलते, करोड़ों में मिलते पैसे, मेरे को पता ही है, लेकिन आप जो नई लड़की है हिंदुस्तान की, उनको आप क्या एक संदेश देना चाहते हैं कि भी आप क्या बोलते हैं उनके लिए कि भी उनको रेसलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मतलब जी बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया में चाहते तो सब हैं बनना WWE सुपरस्टार, लेकिन उनको रास्ता नहीं पता है कि कैसे बनना है। सो जो आपने जो हिंदुस्तान को तोहफा दिया है CWE का, ये सबसे बेहतरीन जरिया है जहाँ से आदमी आगे WWE तक का सफ़र तय कर सकता है। सो सभी लड़कियों को मैं ये कहूँगी कि आप CWE ज्वाइन करिए और यहाँ पे आप चीज़ें सीखते हैं, रेसलिंग सीखते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई एकेडमी हिंदुस्तान में नहीं है। सो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे शुरुआत की, वहाँ से WWE से टीम आई, उन्होंने मुझे देखा, सेलेक्ट किया, इन्वाइट किया, तो यहीं से मेरा करियर स्टार्ट हुआ। तो आप सब भी यहाँ पे आपको आके ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी आपको दी जाती है, जिम भी है, रहने की भी है, मेस भी है, खाना पीना, और फॉरेन से कोचेज आते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, लड़के और लड़की को बराबर ट्रेनिंग दी जाती है जो मैंने खुद की है। सो कोई किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं है, भेदभाव नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी भविष्य में स्टार बने, सुपर स्टार बने, तो आपको जैसे मतलब कुछ लोग हैं मतलब जो WWE पे जाना चाहते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करना मानते हैं। आपने भी देखा होगा जब बॉम्बे में ट्रायल हो रहे थे तो 85 लोग वहाँ देख ट्रायल देने आए थे,
उनको क्या सजेशन करते हो आप, जो 85 लोग लड़का लड़की मतलब सब WWE के लिए जाना चाहते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करना मांगते, उनके लिए क्या सजेशन देते हैं आप, क्या करना चाहिए उनको, सीधा WWE पे जाना चाहिए उनको, क्या करना चाहिए? नहीं, बिना मेहनत के तो कुछ भी हासिल नहीं हो सकता और घर बैठे आपको WWE नहीं मिल सकता, उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और जब आप यहाँ हैं और अकेडमी है, रिंग है, फैसिलिटी यहाँ पे है, तो यही है एक माध्यम CWE जहाँ से आप सीख सकते हैं। और बिना प्रैक्टिस के तो नहीं लगता। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भी हमने रेसलिंग में CWE पे नहीं जाना, हमने तो WWE पे जाना है, उनको क्या सलाह देते हैं आप कि भी मतलब आप सीधे वहाँ फ्लोरा मिले मेरे को या आप CWE पे आप पहले ट्रेनिंग करिए? नहीं, हकीकत बात है, मतलब ऐसा तो मेरे ख्याल से नहीं हो सकता कि आप डायरेक्ट वहाँ पे चले जाएं, या तो फिर आप बहुत ही, अगर आप ट्रंप के भतीजे भी हैं तो भी आपको WWE में एंट्री नहीं मिल सकती। बिल्कुल दोस्तों, मैं जो हमेशा आपको बोलता हूँ कि अगर ट्रंप के भतीजे भी हैं आप, तब भी मतलब आपको WWE वाले नहीं लेंगे। क्यों? मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि भी मतलब वो लोग जो WWE वाले हैं बहुत प्रोफेशनल लोग हैं वो, अगर उनको हम कमा के देंगे तब आपको हायर करेंगे, अगर आप उनको कमा के, हम कमा के नहीं उनको देंगे तो बोलेंगे कि नहीं, आई डोंट वांट टू हायर यू। सो प्लीज, अगर आप WWE पे जाना चाहते हैं, कहीं भी आप जापान पे जाना चाहते हैं, TNA पे जाना चाहते हैं, AEW पे जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं आप, आपको जो रास्ता है वो यहीं से जाता है CWE के होके, CWE के होके जाना पड़ेगा। अगर आपने WWE का कहीं भी वर्ल्ड पे आपने सुपरस्टार बनना है तो ये आपको एक, जैसे बोलते हैं, बेसिक रेसलिंग आपको सीखनी पड़ेगी। मतलब